हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रितेशा चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ड्रीमलैंड्स की हमने बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स मंगवाई हैं, लेकिन आपको अब मैं इन बुक्स की अलग अलग वीडियो में डिटेल बताऊंगी कि क्या है। तो फर्स्ट वीडियो मैंने चूज करी है गुड हैबिट्स। अब देखिए इसकी गुड हैबिट्स बुक में क्या क्या है। इन्होंने जो बुक्स की गुड हैबिट्स में है, इन्होंने फर्स्ट से गुड हैबिट्स सिखाई है कि बच्चे पेंसिल शॉप कर रहे हैं तो ये बच्चा डस्टबिन में डाल रहा है और ये बच्चे ने ऐसे ही फेंक दिया, तो कौन सा गुड बॉय है कौन सा बैड बॉय है। जैसे इनकी फर्स्ट एक्टिविटी है कि बताइए कि इसमें कौन सा बच्चा स्मार्टली ड्रेस है। आपका बच्चा इसे ये सीखेगा कि उसे कैसे रहना है जब स्कूल जाएगा। लाइक इसमें एलन और पीटर है। एलन ने देखिए कितने अच्छे से पहना हुआ है, पीटर ने कितना रफली, हेयर कॉम नहीं है, बाल निकल रहे हैं, लेसेस खुले हुए हैं, पैंट्स उसकी फटी हुई है। सेकेंड एक्टिविटी कि बच्चा देखिए सोने जा रहा है, एक ने तो अपनी बुक्स यूं ही पड़ी हुई हैं ऐसी सो गया, दूसरा बच्चा अपनी बुक्स को अच्छे से लगा रहा है। इससे आपके बच्चे को एक्टिविटी गुड हैबिट्स भी पता चलेंगी, बाकी ये पता चलेगा कि आप सोते टाइम किस तरीके से अपने रूम को करिए। अब आप देखिए इसमें क्लासरूम प्रोवाइड करना है। अब जैसे कि क्लासरूम बच्चे क्लीन बनाना है, लाइक आप देखिए इसमें डस्टबिन गार्बेज पड़ा हुआ है उसे डस्टबिन में रखना है, बैग्स बाहर पड़े हुए हैं, इस तरह से आप बच्चों को ड्रॉ करने में हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एक्टिविटी जैसा कि फर्स्ट पेज पे था कि इसमें क्या कौन बच्चा गलत काम कर रहा है। जैसे ये अपनी पेंसिल शॉप कर रहा है जो कि अपने गार्बेज को वहीं की वहीं थ्रो कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी कि आपको किस तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए। जैसे इस बच्चे ने क्या करा कि अपना सारा पानी भर लिया फिर धो रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एक स्टूल पर खड़े होकर धीरे धीरे हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट कि अपना इसमें कौन बच्चा कर रहा है कि शॉक से बचने के लिए शूज पहनकर प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लग में अपनी फिंगर्स नहीं देनी चाहिए। इसमें देखिए साथ में ये लोग एक और साथ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कलरिंग, कि इसमें कलरिंग भी करनी है कि कौन सा। देखिए ये बच्चा डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्रॉपर तरीके से खा रहा है, इसमें इसकी मदर इसको खिला रही है, तो आप बच्चे को बताएंगे कि डाइनिंग टेबल पर। जैसे जैसे बच्चा गुड मैनर्स और हैबिट सीखता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा प्रिटेंड भी करता है। और इन सब के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं उसके घर के सराउंडिंग मेंबर्स, कि वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से खाते हैं। इसमें देखिए बच्चा डॉग को मार रहा है, एक बच्चा क्या कहते हैं डॉग को पानी पिला रहा है, तो कौन से बच्चे में गुड हैबिट्स है, कि पेट एनिमल्स को किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि इसमें ये आदमी रॉन्ग क्या कर रहा है, इसमें ये पंचर कर रहा है, आप देखिए कि ट्रीज की स्टिक्स लगा के, तो इसकी ये रॉन्ग हैबिट्स है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गुड बन है, हमें ऐसे आराम से एक बाउल में कुछ भी, जैसे ये बच्चा कैंडी खा रहा है तो बाउल में एक लेके, ये नहीं कि पूरा बाउल लेकर चल दिए, तो ही इज ए बैड बॉय। नेक्स्ट एक्टिविटी कि हमें किस तरीके से क्रॉस करना चाहिए रोड प्रॉपर, जब रेड लाइट हो जाए तो पीडियाट्रिक्स लेन पर आराम से चलना चाहिए। इसमें देखिए दोनों रन कर रहे हैं, पीछे से बस आ रही है, अगर गिर गए तो। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, कि बुके फाड़नी चाहिए बुके पढ़नी चाहिए। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी आप इसमें देखिए कि वो ऊपर छत से अपने घर से गार्बेज फेंक रहा है और ये बच्चा नीचे आके प्रॉपर डस्टबिन में गार्बेज फेंक रहा है, तो इसमें ये बताना है कि करेक्ट कौन है। इसमें देखिए कि कान में पेंसिल दे रहा है, ब्रश कर रहा है, कपड़ों को काट रहा है, अपना माउथ चेकअप करा रहा है, टीचर से पढ़ रहा है, नेल अपनी फिंगर में लगा रहा है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज गुड है और कौन कौन सी बैड है। अब इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई कि अब इसमें पीटर्स को बताना है कि कौन सा बच्चा सही है कौन सा। इसमें एक ब्लाइंड मैन जा रहा है तो दूसरा जो बेबी है एलन वो उसको पकड़ के ले जा रहा है, लेकिन दूसरी एक्टिविटी में देखिए वो धक्का दे रहा है, तो दैट इज बैड हैबिट। अब देखिए इसमें ये बताना है कि कौन सा, ये वाला बच्चा वॉल पर लिख रहा है, दूसरा वाला बच्चा अपनी प्रॉपर स्लेट पर लिख रहा है, तो ही इज ए गुड बॉय। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, वॉशिंग हमें कैसे करना चाहिए, कि प्रॉपर लेके शैम्पू लेकर शावर में नहाना चाहिए, ऐसे नहीं कि सारा शैम्पू फैला देना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज है इसमें। जैसे ये गर्ल फ्लावर प्लक कर रही है तो इसमें फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए, हमें ये बहुत ही गंदी हैबिट होती है, ठीक है। अब देखिए दोनों टीवी देख रहे हैं तो हमें कैसे टीवी, हमें दूर से देखना चाहिए, इसमें पास देखना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे के सामने जिस तरीके से उसे सिखाएंगे, जिस तरीके से आप उसे प्रिटेंड करेंगे, बच्चा वही चीज सीखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं और भी सारी एक्टिविटीज हैं, मैं आपको एक एक पेजेस खोल खोल के दिखा रही हूँ। देखिए कि वो बैल बजा रहा है, वो बैल बजा के भाग रहा है,
ठीक है, बहुत तेज आवाज में गाना सुन रहा है ना। देखिए ये एक हैंडीकैप मैन जा रहा है, उसकी बैशाखी खींच रहे हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी बैड। जो अच्छी एक्टिविटीज है, जैसे देखिए इसमें बच्चे जू देखने गए हैं, आराम से जू देख रहे हैं, इसमें देखिए वो लॉइन को मार रहा है, दैट इज बैड ना। देखिए एक आराम से हॉकी खेल रहे हैं, नीचे वाले पिक्चर में देखिए जो हॉकी से लड़ रहे हैं। दोस्तों ये है आपकी गुड हैबिट्स एक्टिविटीज की बुक। तो आप लोग प्लीज फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से लीजिए। मेरा तो यही सजेशन रहेगा, आई हाईली रिकमेंडेड फॉर 4 ईयर। प्लीज आप लोग इसे अपने चाइल्ड के लिए, अगर आप होम स्कूलिंग कर रही हैं मदर्स, तो प्लीज परचेज। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू।